हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवेंथ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास बेटा, आपका एक्सरसाइज करा रही थी मैं। आपके ये तो पता ही होगा कि आपको यूनिट वन शुरू होने वाले हैं। यूनिट वन आपका जो है स्टार्ट है 14 जुलाई से, और उसमें मैंने सिलेबस आपको सेंड कर ही दिया है। सिलेबस आपका लेसन 1, 2, 3 आएगा, और लेसन 1 का मैं PDF आपको दूंगी, वो भेज दूंगी आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में। लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज में। इसके पहले लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको दो पार्ट के आपको एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आंसर दे दिए थे। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट था, एक ट्रू एंड फॉल्स था। नेक्स्ट आपका आज जो चलेगा वो है, आप देखें एक बार, नेक्स्ट जो पार्ट है वो इसमें डिस्कस करते हैं अपन। आपका है जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेसन 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसके अंदर आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स हो चुका था एक्सरसाइज। एंड देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, पिक मार द करेक्ट आंसर करना है। इस पर डार्क सर्कल में टिक मार द करेक्ट ऑप्शन इन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड वेन फॉल्स के बाद आपका ये स्टार्ट है, थर्ड टिक मार्क लगाना है आपको इस तरीके से। एंड देन फर्स्ट पार्ट आपका ए, इन द ए पार्ट sentence is fat is a completely flat is a completely digested in the, ठीक है, fat is a completely digested in the, fat कहाँ पे digested आपका होता है वो पार्ट आपको देना है, और देखना है कि राइट कौन सा है, तो उस पर टिक मार्क करना है। देन फर्स्ट पार्ट स्टमक, सेकंड माउथ, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फोर्थ है लार्ज इंटेस्टाइन। एंड द राइट आंसर इज स्टोमक। आपका है कि फैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, तो फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्टोमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। एंड द राइट आंसर इज आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सर्किल बनाएंगे, या आप इस तरीके से टिक मार्क करेंगे। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। एंड द सेकंड क्वेश्चन आपका है, फैट इज ए कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, यानी फैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, देन राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड देन सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट, इन द बी पार्ट आपका है वाटर
water from the undigested food is absorbed mainly in the अब देखिए आपका ये है क्वेश्चन कि वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द एंड द फर्स्ट पार्ट स्टोमक एंड सेकेंड पार्ट फूड पाइप एंड थर्ड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपका ये याद रखना है कि कौन सा पार्ट है। तो आप क्वेश्चन एक बार देखें, आपका है सेकंड क्वेश्चन इन द टिक मार्क टाइप। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब मेनली, यानी कि जो वाटर आता है अनडाइजेस्टेड फूड से वो अब्जॉर्ब उसका मेनली कहाँ पर होता है, देन स्टोमक, देन फूड पाइप, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। एक बार ये उतार लें एंड देन नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज के अंदर बी पार्ट कंप्लीट एंड द फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैचिंग मैच द कॉलम ए कॉलम बी राइट। फोर्थ क्वेश्चन है आपका मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम इसमें ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट विथ दोज With those given in column B, यानि second part, ठीक है। अब इसके अंदर आपको लिखना है column first and column सेकेंड। देन बेटा फर्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन द फिल इन द ब्लैंक, सेकेंड पार्ट बेस्ड ऑन द ट्रू एंड फॉल्स, थर्ड पार्ट बेस्ड ऑन द टिक मार्क एंड फोर्थ पार्ट बेस्ड ऑन द कॉलम वाइज मैचिंग। तो जस्ट ये मैचिंग पे डिपेंड करता है। तो कॉलम ए ए के अंदर फर्स्ट है फूड कंपोनेंट्स एंड द सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट्स एंड थर्ड है प्रोटीन्स एंड फोर्थ है फैट्स। इन द कॉलम बी फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सेकेंड पार्ट है
SRT SA फैटी एसे, थर्ड पार्ट है शुगर एंड फोर्थ पार्ट है एमिनो एसिड एंड इसमें इसके साथ है ग्लिसरॉल। तो इसमें देखें फोर्थ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैच द आइटम ऑफ कॉलम विद दोज आपका गिवन इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को आपको जो है यहाँ पर मिलाना है, तो किस तरीके से आप मैच करेंगे इन कॉलम ए एंड इन कॉलम बी। देन आपका राइट आंसर है कॉलम ए। कॉलम ए आपका फर्स्ट है फूड कंपोनेंट्स, देन फूड कंपोनेंट्स का आप किससे मिलान करेंगे, कार्बोहाइड्रेट है सेकंड वन। सेकंड वन है आपका कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें आप किसका मिलान करेंगे ये देखिए। तो फर्स्ट वन आपका है जैसे फूड कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट में आप जो है पहला फर्स्ट आप मिलान करेंगे, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट, शुगर या प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, तो इसका मिलान जो आप करेंगे वो ये है फूड कंपोनेंट्स में आपका है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। Then sugar, then amino acid, fats and glycerol. तो आपका राइट आंसर इसमें आपको देखना पड़ेगा, जैसे आपने टिक मार्क वाले क्वेश्चन किए थे तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या आएगा, तो इसमें आप टिक मार्क करेंगे फूड कंपोनेंट्स के अंदर, फूड कंपोनेंट्स आपके कौन से होते हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ये है, कार्बोहाइड्रेट आपका शुगर, प्रोटीन एमिनो एसिड एंड फैट फैटी एसिड एंड फूड कंपोनेंट्स लाइक प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, ये तो आपका राइट है। तो इस तरीके से आप इसको मैचिंग कराएंगे। तो एक बार फिर से आप चेक कर लें बेटा कि मैच कैसे हो रहा है, एक बार देख लें कि फूड कंपोनेंट्स का मैच करते हैं तो आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का आएगा शुगर एंड देन प्रोटीन्स का आएगा एमिनो एसिड एंड फैट का आएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये आपके इस तरीके से आपको मैच करना है। तो एक बार फिर से देखें फूड कंपोनेंट्स में पहला आपका प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन से मैच होगा, कार्बोहाइड्रेट शुगर से, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से और फैट फैटी एसिड से, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपका राइट क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फिफ्थ क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, वाटर बिलाई व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो इसमें आपको बिलाई का लोकेशन और उसके फंक्शंस को बताना है। एंड देन सिक्स क्वेश्चन है आपका, जैसे आप सिक्स क्वेश्चन पे जाते हैं तो सिक्स क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन बिलाई कि वाटर बिलाई व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो ये तो आप डेफिनेशन इसका समझते ही हैं कि बिलाई कहाँ पर होता है और उसकी लोकेशन या फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बेटा वीडियो के अंदर सेंड किया ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बस बिलाई का कहाँ पर आप बताओगे और उसका क्या फंक्शन होता है। तो विलाई के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, अगर आपको लिखना है तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन और करा देती हूँ, देन नेक्स्ट चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका और कर लेते हैं जिससे कि आपका कंप्लीट हो जाए।
इस तरीके से जो आपका, जैसे आज आपने पढ़ा ना एक्सरसाइज के अंदर आपका है, जिसमें कि एक तो आपका पहला फर्स्ट था क्वेश्चन जो आपका बेस्ड ऑन था फिलिंग द ब्लैंक्स पे, फिर टिक मार्क था, फिर थर्ड पार्ट आज अपन ने किया, थर्ड पार्ट अपन ने जो किया वो आपका था टिक मार्क पे, फिर पहले फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर आपका ट्रू एंड फॉल्स, देन आज टिक मार्क किया, एंड नेक्स्ट आपने उसके अंदर देखा मैचिंग द कॉलम। इसके बाद बेटा आपके क्वेश्चन आंसर जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंड करूँगी। तो ओके बाय।